अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम यहाँ मौजूद हैं इकबाल टाउन के एरिया नीलम ब्लॉक में और हमारे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत मौजूद हैं, राजा अब्बास भाई, जो कि एक बहुत ही अच्छे पेंटर और टिकटॉकर हैं। आज हम जानेंगे इसी हवाले से कि ये किस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं और जो कि ये पैदाइशी जो है स्पेशल चाइल्ड हैं, इनके आर्म्स नहीं हैं लेकिन अपने पाँव के साथ एक ऐसी जो है तस्वीर बनाते हैं, ऐसी नक्शनकारी करते हैं जो कि बहुत ही पसंद आती है लोगों को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जान आपका? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं भाई जान। तो भाई जान, हम आपसे ये पूछेंगे कि आप ये पैदाइशी ऐसे हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं या मतलब कोई बाद में कोई हादसा हुआ? पैदाइशी हैं, जब मैं पैदा हुआ था तब से ही ऐसे था। तो फिर आपको कैसे ये पेंटिंग का शौक आया और किसने आपको इनकरेज किया इसके लिए कि आप जो हैं अपने पाँव के साथ ही जो इतनी प्यारी प्यारी पोर्ट्रेट्स बनाना शुरू कर दी आपने? मैं जब छोटा था तो स्कूल में एडमिशन हुआ और स्कूल में शौक पड़ा पेंटिंग का। उसके बाद फिर जब 8-9 में गया था तो मुझे एक टीचर आर्ट मिले घर के पास, उन्होंने बताया कि आप पेंटिंग कर सकते हो, आप पेंटिंग बना लोगे। मैं कह जी सर बना लूँगा। उन्होंने फिर मुझे गाइड किया थोड़ा और सारा बताया पेंटिंग के बारे में। तो मैंने स्केच बनाना तब नया नया स्टार्ट किया, थोड़ी मुश्किल आई बनाने में। तो फिर अल्लाह का शुक्र है अब मैं काफ़ी स्केचिंग कर लेता हूँ, ऑयल पेंटिंग, स्केचिंग, पेंसिल वर्क, इस तरह से पेंसिल बनाता हूँ। जो पेंसिल वर्क होता है वो मेरा सेल आउट भी हो रहा है और लोगों के ऑर्डर भी ज़्यादा आ रहे हैं। और आप अपनी कोई एग्जीबिशन वगैरह भी करते हैं, कोई नुमाइश वगैरह भी लगवाते हैं कि नहीं? नहीं, एग्जीबिशन मैंने कभी किया नहीं। मैं वीडियो बना के टिकटॉक पे देता हूँ, लोग अप्रिशिएट करते हैं। जिसने बनवानी होती है वो खुद आके मुझे कॉल करता है और बनवा लेता है। फैमिली में भी सब सपोर्ट करते हैं आपको? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। तो अभी आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं या अकेले रहते हैं? नहीं, मैं अकेला फैमिली के साथ रहता हूँ। अच्छा। सारे मेरे एक भाई हूँ, 4 बहनें हैं। बचपन से तो लोग जो हैं वो काफ़ी कोई आपको तंग करते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, तो कभी? नहीं नहीं। अच्छा नहीं, आपने, मैं कह रहा हूँ आपको इतना हौसला कहाँ से मिला? यहाँ पे तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो इंसान को जो है वो डिस्करेज करने वाले होते हैं। आपको सिर्फ आपके टीचर ने इनक्रेज किया या कभी और भी किसी ने आपको कहा कि यार नहीं आप करें, आप कर सकते हैं? हमारा बेसिकली जो स्कूल है वहाँ पे सिखाया यही जाता है, जितने स्पेशल चाइल्ड हैं वहाँ पे उनको बड़ी अच्छा डील किया जाता है। और वहाँ पे कभी किसी भी स्पेशल बच्चे को इस तरह डील नहीं किया जाता या उसको एहसास नहीं दिलाया जाता कि आपके अंदर कोई मजबूरी है। तो वो अपना माशाल्लाह से खुद काम करते हैं, जैसे मैंने अपना वहाँ पे सारा काम खुद किया, मुझे उन्होंने गाइड किया। तो ये हमारे माशरे की बस बातें हैं कि हमें मजबूर कहा जाता है और एक दूसरे के खिलाफ किया जाता है। अब कुछ चैनल्स पे आके भी कईयों ने बातें की मुझे, स्टार्ट में मुझे नहीं पता था, स्टार्ट था मेरा। टिकटॉकर्स ने आपको, यानी कि किसी ने, सोशल मीडिया वालों ने कहा, चैनल वालों ने मुझे कहा कि आप बात करो जी, आप कहो जी मुझे दोस्त तंग करते हैं। मैंने स्टार्ट में कह दिया। अब मुझे बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ कि जो लोग मेरी सपोर्ट करते हैं वो लोग कल को फिर मुझे ही बातें कर रहे हैं। तो इससे आप कितने की आमदनी कमा लेते हैं महीने की? आपका मतलब खर्चा वगैरह सब घर का और अखराजात वगैरह अपने पूरे कर लेते हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ, उसके बाद पेंटिंग भी करता हूँ और साथ अपना गुजारा भी कर रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह। गवर्नमेंट जॉब क्या करते हैं भैया आप? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र हूँ। वेरी गुड। किसी इंस्टीट्यूट में, किसी हॉस्पिटल में? डेंगी में। डेंगी में, वेरी नाइस। तो इसके अलावा और भी आपकी कोई एक्टिविटीज़ हैं? नहीं, फिलहाल बस पेंटिंग और स्केचिंग का कर रहा हूँ और साथ जॉब कर रहा हूँ। तो किसको देख के आप इंस्पायर हुए थे पेंटिंग्स? वैसे कोई, आप बचपन से, हर इंसान का हर फील्ड में कोई आइडियल होता है, आपका आइडियल कोई था पेंटिंग्स में, कोई स्केचर कोई ऐसा हो जो आपको बचपन से पसंद हो गया यार मैं इस तरह की पेंटिंग बनाना चाहता हूँ? नहीं, अभी तक तो नहीं। मैंने खुद से ही पेंटिंग का शुरू किया था और खुद से ही अपनी मेहनत पर काम किया, जो भी किया, और उसके बाद टिकटॉक का शौक पड़ा तो टिकटॉक पर वीडियोज़ बनाने लग गया। फिर उसका प्लेटफॉर्म भी काफ़ी फेमस हो गया, काफ़ी लोग आए, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, ऑर्डर्स भी मिले और उसके ऊपर पेंटिंग वगैरह काफ़ी सेल भी हुई। अभी आपकी कोई शॉप वगैरह भी है? आप घर में बैठ के ही करते हैं सब? नहीं, मैं सर की आर्ट गैलरी में करता हूँ, जो कि आजकल छुट्टियाँ 3 महीने की, तो सबको उन्होंने छुट्टियाँ दी हुई हैं, वो आउट ऑफ सिटी गए हैं, चाइना में होते हैं वो। तो क्या गोल है आपका ज़िंदगी में, क्या करना चाहेंगे आगे जाकर? एग्जीबिशन करना चाहेंगे पोर्ट्रेट्स का? क्या चाहते हैं आपके, मेरा यार इस फील्ड में ये नाम हो, मैं ऐसा हूँ, सब लोग मुझे जाने, क्या आपका ख्वाब क्या है? ख्वाब मेरा पूरा हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है। बंदे को यही होता है, एक बड़े को होकर बंदे को अच्छी जॉब मिल जाए गवर्नमेंट, और बंदे के पास हुनर हो। मेरे पास हुनर भी है, मेरी पेंटिंग सेल हो रही है, मेरे पास रिजल्ट चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है मुझे, और इसमें क्या चाहिए। तो खाली आप इंसानों की पोर्ट्रेट्स बनाते हैं या मतलब पेंटिंग कोई भी चीज़ आपको दी जाए, आपके सामने कोई भी हो तो आप उसको फौरन वैसे ही बना देंगे? ओवरऑल, ओवरऑल हर तरह से। कितना टाइम लेते हैं आप एक पेंटिंग बनाने में? 8-10 दिन।
आठ से दस दिन। कुछ लोग तो होते हैं ना जो सामने बैठ के खुद बनवाते हैं, वो भी अब बना लेते हैं? वो बस कहने की बात है, जब बनाने पे आते हैं ना फिर पता चल जाता है बंदे को। कोई दस दिन आप मेरे सामने बैठते तो नहीं सकते। अभी एक चीज बनाने में टाइम लगता है, हाथ से और पाँव से बनाने में चीज़ में फ़र्क होता है। तो जो ये लोग हम देखते हैं मूवीज़ में कि वो सामने बैठी है हीरोइन या हीरो, वो फ़ौरन उसकी पोर्ट्रेट बना देते हैं, स्केच बना देते हैं, वो सब वैसे ही है जी? वो सिर्फ बातें हैं। आप इस तरह आप सोचें तो आपको पेंटिंग बनाना स्टार्ट में करना चाहें तो आप कभी भी नहीं इस चीज़ के ऊपर कामयाब हो सकते। कोई ऐसा बंदा पैदा ही नहीं हुआ कि कोई इतनी देर किसी को बिठा के आप सुबह से लेकर रात तक एक एंगल में बैठ ही नहीं सकते पहले नंबर वन। जैसे आप जैसे हमारे और भी भाई हैं जो स्पेशल चाइल्ड हैं, उनके लिए आप हमारे चैनल के तवसफ़ से क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या वो हिम्मत ना हारें, क्या करें? जैसे आपने अपने आप को इस दुनिया में स्टैंड किया है तो उनके लिए भी कोई पैगाम देंगे कि क्या कोई हर कोई अपना अपना शोभा चुन ले, उसमें जाके जो मेहनत करें या जो जिसको पसंद है जिसका पैशन है उसमें, उसके लिए कोई पैगाम दें हमारे चैनल के तवसफ़ से सारे व्यूवर्स को? उनको मैं यही कहूँगा कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करो और अल्लाह के सिवा और किसी से मदद ना मांगो। अल्लाह का शुक्र अदा करके अल्लाह की राह पर चलो। अल्लाह ने फरमाया कि आप मुझसे मांगो तो मैं आपको अता करूँगा, और जब उस मालिक से मांगा जाए तो ज़रूर मिलता है। कोशिश करो, आप निकलो बाहर और अपने हुनर को बाहर निकालोगे तो हुनर आपका बाहर आएगा, वैसे नहीं आएगा। थैंक यू सो मच जी। जी नाज़रीन, तो आज हमारे साथ राजा अब्बास भाई थे जो कि बचपन से एक स्पेशल चाइल्ड हैं, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और बहुत मेहनत करके अपने आप को आज इस मुकाम पे खड़ा किया है कि दुनिया इन्हें जानती है। और इनके तो हमारे चैनल के तवसफ़ से इनका यही पैगाम है बाकी स्पेशल चाइल्ड को भी कि जो जो इंसान जिस जो जो पैशन रखता है उसमें भरपूर मेहनत करे और कभी अपने आप को किसी से कम ना समझे, सिर्फ़ एक अल्लाह से मदद मांगे। और इसके साथ ही आज हमें इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।